टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 41 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 41। तो 41 में एक एफ ऑफ 2 = 4 दिया है, एफ डैश 2 = 4 एंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स एफ ऑफ 2 -2 एफ ऑफ एक्स अब एक्स माइनस टू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन हुआ हो या ऐसा ही, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर एक बार रिपीटिंग हो भी जाता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार बार रिपीटिंग होते हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन है, यानी बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा होगा और एग्ज़ाम में बार बार आ रहा होगा। एक्स टेंस टू 2 अगर रखेंगे तो 0, यहाँ पर 2 एफ ऑफ 2 एंड 2 एफ ऑफ 2, यानी कि 0/0 फॉर्म इसमें अप्लाई हो रही है। तो अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रोड, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ 2 इंटू 1 -2 एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 1 - 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर देते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का ही। उसके बाद इसमें वैल्यू ड्रा कर देते हैं एफ ऑफ 2 -2 एफ डैश ऑफ 2, ठीक। आजकल जो कंपटीशन है उसमें ऐसा क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, रखा हुआ कोई ना कोई, ठीक है। एफ डैश 2 का मान 4 है, यानी कि 4 - 8 = -4, ठीक है। तो आंसर इसका आ रहा है 4 - 8 = -4, यानी कि -4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हुआ है, 42 नंबर, ठीक है। 42 है, लेट एफ इज डिफेंसिबल, अगर एफ डिफेंसिबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 = -2 एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ 2 फॉर एक्स इज 1 6, ठीक है। एफ इज डिफेंसिबल फॉर आर एक्स, यानी एक्स एफ इज डिफेंसिव फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए डिफेंसिबल है। एफ ऑफ 1 = -2 एफ डैश 1 > 2 एंड एक्स ब्रोस कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 और 6 के लिए। देन जो ऑप्शन हैं वे रहे हमारे के लिए एफ ऑफ 6 < 5, बी ऑप्शन है एफ ऑफ 6 = 5 एंड सी ऑप्शन है एफ ऑफ 6 > 8 एंड डी ऑप्शन है एफ ऑफ 6 < 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको चेक करना है इस तरह से कि कौन सा लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी लाना है। अब हमारे पास जो गिवन है, आप सॉल्यूशन लेते हैं, एफ ओ 1 = -2 दिया है, एफ ओ 1 = -2 दिया है, अगर और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ठीक है। तो दो क्वांटिटीज हमारे पास दी हुई थी, तो एफ ओ 1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 2 होगा। एफ डैश एक्स को यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हैं, बाई इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि डी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डी एक्स। अगर यहाँ पे हम इंटीग्रल कर दें, ठीक है, यहाँ तो सही है क्योंकि फंक्शन के टर्म में लेना, यानी बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, चूँकि y इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो डी वाई है हमारे पास, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्यों ना y की वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं, है ना। तो y की वैल्यू फाइंडिंग करने के लिए हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वैल्यू लाई करा 1 - 6, इंटरवल 1 - 6 है, 1 से लेकर 6 तक। अगर हम जो लिमिट रख देंगे एफ 1 - एफ 6, ठीक है, इसका कर देते हैं इंटीग्रेट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर है एंड ये 1 - 6 एंड डी एक्स, यानी कि वाई में जो पॉइंट है वो हमारा एफ 1 - एफ 6 है, यानी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यानी एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 - 6, एक्स वाले में तो 1 - 6 ही रहेगा परंतु वाई वाले में एफ 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो एफ 1 और 6 रखेंगे तो एफ 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की लिमिट एक्स इक्वल टू 1 - एक्स इक्वल टू 6 रहेगी और y की जो लिमिट हो जाएगी एफ 1 - 1 और 6 - f 6 हो जाएगी। तो ये कोई बड़ा ऐसा कोई खास काम नहीं है जो देखने में अजीब लगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएगी वन होगा, वन का इंटीग्रेशन वाई आ जाएगा और वाई में ये वैल्यू ड्रा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा एफ सिक्स माइनस एफ वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू एफ सिक्स माइनस का एफ वन, एफ सिक्स माइनस एफ वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और वन का डिफरेंशिएशन वहाँ एक्स आएगा और एक्स में लिमिट ड्रा करेंगे यानी कि सिक्स माइनस वन, तो टू इंटू फाइव, टू इंटू फाइव यानी कि टेन हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हम शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, देखिएगा ये हो गया एफ सिक्स माइनस एफ वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू फाइव यानी कि टेन। ठीक है, एफ वन का मान दिया है क्वेश्चन में, एफ वन का मान माइनस टू यानी कि एफ सिक्स माइनस माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जा रहा है एफ सिक्स ये टू हो जाएगा इज ग्रेटर देन टू टेन यानी कि एफ सिक्स इज ग्रेटर देन टू टेन माइनस टू यानी कि एट। तो ऑप्शन आपको सी वाला ऑप्शन नज़र आ ही गया होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एट यानी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हम उसको पहले से रखते हैं कि ये क्वेश्चन हमको देना है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर तो इसलिए मालूम रहेगा ही, इसका ये आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया यानी इस लेवल के क्वेश्चन है। इफ एफ इज रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन, एफ इज ए रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन, रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन से एंड सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से लाई कर रहा है। ठीक है, एंड एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड एफ वन इज इक्वल टू इसके ऊपर होगा, एफ वन की वैल्यू हमको फाइंडिंग करनी है। तो ए इक्वल टू टू, वी इक्वल टू वन, ये ऑप्शन है, सी माइनस टू एंड डी है जीरो। ठीक है, तो ये किस में डिफरेंशिएबल होगा, ये रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सेटिस्फाई द कंडीशन एफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो एफ वन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी एफ वन क्या होगा। ठीक है, तो एफ वन की वैल्यू निकालने के लिए जो ये क्वेश्चन पॉइंट दिया था, यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर है, x माइनस वाई को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं, अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं इसको लिमिट x टेंस टू y, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स टेंस टू वाई और मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ वाई ये चल ही रहा है ऊपर, अपॉन एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वाई मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। देखिएगा इधर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर था, एक एक्स माइनस वाई यहाँ ले लिया और एक यहीं ले लिया, तो लिमिट x टेंस टू y यानी कि फंक्शन x एंड y में ही है, तो यहाँ पे x टेंस टू y हमने शो कर लिया, यानी y पर डिपेंडिंग करेगा वैल्यू, तो इधर वाला जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम x टेंस टू y रख देते हैं तो x बराबर y यानी कि जीरो हो जाएगा, मोड ऑफ जीरो यानी कि जीरो होगा, तो इस कंडीशन में ये वाला जो टर्म्स बनेगा ये बन जाएगा एफ डैश y यानी कि डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले से, और इधर बन जाएगा जीरो एक्स वाई इक्वल टू वाई रखने पर, यानी कि एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज एफ डैश वाई इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ वाई इक्वल टू होगा कॉन्स्टेंट, यानी कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो है तो एफ ऑफ वन पूछा है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया है, इज ए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटिटी, यानी कि सभी इक्वल टू कितने आ रहे हैं, एफ ओ एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू जीरो है, डिफरेंशिएशन जीरो है, तो एफ ऑफ वन भी जीरो होगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, यानी कि फंक्शन ऑफ वाई एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कोई भी कॉन्स्टेंट होगा,
है ना, हो सकता है। बट एफ ऑफ जीरो जीरो है, यानी नियर अबाउट में जो है वो जीरो है, तो एफ ऑफ वन भी क्या रहा होगा, जीरो ही रहा होगा, क्योंकि एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो है, तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। एफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ डैश वाई इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड एफ ऑफ एज कब है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो होगा। तो वाई की जगह कुछ भी रखें, वन रखें, टू रखें, एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो है, तो एफ ऑफ वन इक्वल टू भी हमारा जीरो ही हो जाएगा। तो नियर अबाउट फंक्शन से वो भी लगभग उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल क्वांटिटीज आएगी एफ ओ वन इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन डिफरेंशियल फंक्शंस का है, क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 43 हुआ था, 44 होगा, y इक्वल टू एफ ओ एक्स, y इक्वल टू एफ ओ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एक कोई इवन फंक्शन है, सच दैट एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, देन एफ डैश जीरो इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो ऑप्शन है जीरो, बी ऑप्शन है माइनस वन, सी है वन, एंड डी है नॉन, नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, तो आप देखते हैं कि इसका क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या है, इज इवन है। जब इवन फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स का मान एफ ऑफ एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। एफ ऑफ, ये तो जानते ही होंगे कि इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन ले लिया जाए एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स से करेंगे माइनस वन इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, इस माइनस को यहाँ ले जाता हूँ, इक्वल टू माइनस का एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि एफ डैश ऑफ जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, इक्वल टू माइनस का एफ डैश ऑफ जीरो, ठीक है। यानी कि माइनस जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो एफ डैश जीरो इक्वल टू माइनस का एफ डैश जीरो, दो इधर ले आएंगे, यानी कि टू एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, एंड एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो। एफ डैश जीरो का मान, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू किसका आ गया, जीरो के। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इवन फंक्शन है तो ये क्या कंडीशंस फॉलो करेगा। अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन की अगर बात कर ली जाए, मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेता हूँ, ये 45 इज ओड फंक्शन, ठीक है। तो ऑप्शंस इज ओड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये माइनस माइनस के इसके प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और ये फंक्शन ही गायब हो जाएगा, एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो। तो यहाँ पे दोनों ऐसी कंडीशन आएगी, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, यानी कि एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एफ डैश जीरो की, यहाँ पे कोई पॉसिबल क्वांटिटीज या कुछ पॉसिबल वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो एक क्वेश्चन अगर हमारे पास है इवन वाला, तो ओड वाला क्या हो सकता है, तो ओड वाले में कोई वैल्यू फाइंडिंग नहीं होती है, तो इसलिए ओड वाला भी बनाया गया है